करके चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। खैर बाज़ार की ओपनिंग हो रही है 25 पॉइंट ऊपर आज निफ्टी ओपन करेगा, कोशिश करेंगे कि ये जितना डिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, डिप ना मिले तो थोड़ी बहुत पोजीशंस तो रखो मार्केट के अंदर। 1200-1250 शेयरों के एडवांस डिक्लाइन के साथ मार्केट ने ओपन किया, पहला टिक सीधा 32 पॉइंट, फिर सीधा 50-62 पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया। आप थोड़ा सब्र रखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी आज आपको ओपनिंग ठीक मिली है। अच्छी बात है, बात क्या हो रही है, बैंक निफ्टी चलने के बाद ना अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं करवा रहा, इसको कोई ना कोई शेयर सपोर्ट कर रहा है। जैसे SBI पहले थोड़ा नीचे ला रहा था लेकिन अब फिर से SBI चलने लग गया, और शिवांगी ने भी थोड़ी देर पहले आपको SBI के बारे में जिक्र किया है। और इसके अलावा जो मेरे को स्क्रीन पे आज दिख रहा है ना, फिर से वो एनर्जी पैक वाले शेयर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। NTPC को 1700-1700 करोड़ रुपया ये रेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट साइज के पास, तो ये शेयर करीब 1-1.5% ऊपर खुला। ठीक, इसके अलावा देखो आप कोल इंडिया ऊपर खुला, अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर खुल रहा है, टाटा मोटर्स बैक टू बैक अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जहाँ पर मेरे को लगा कि आज की ओपनिंग अच्छी है। इवन मैं आपको नोटिस कराऊँ, आज खुलते ही टाटा मोटर्स ने फिर से साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। अभी आप इंडाइसिस को थोड़ा सेटल होने देना, असल में क्या है ना कि सैटरडे वाले तो आप लेवल्स ही काउंट मत करो, आप ये मानो कि आप फ्राइडे से मंडे आ रहे हो और मंडे और फ्राइडे के बीच में थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स और तेज़ हुई हैं, अभी उसको थोड़ा डिस्काउंट कर देगा एक बार, उसके बाद फिर ये अपने जैसे जैसे डाटा बनाएगा ना वैसे चलेगा। ये ओपनिंग में वो सारी चीज़ें वही डिस्काउंट कर रहा है। खैर हम आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे। अच्छा, कमज़ोरी वाले शेयर्स भी आपको नोटिस करवा देता हूँ जो साल में थोड़ा आज कमज़ोर खुल रहे हैं, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई पे। उसमें हल्का सा जिंदल स्टील के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, हल्की ICICI बैंक के अंदर, ब्रिटानिया के अंदर, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो मामूली से कमज़ोर खुलते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आपका फेवर में चल रहा है। कुछ गैस वाली कंपनीज अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, IGL, MGL, गुजरात गैस, ये तीनों गैस वाले स्टॉक्स ऊपर दिखा दीजिए। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी दिखाइएगा, IOC, BPCL, HPCL, इनको भी थोड़ा आप नोटिस कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि सेक्टर के अंदर भी चर्निंग हो जाती है, जिसको हम सेक्टोरली चर्निंग बोलते हैं, अब इनसाइड द सेक्टर हो जाता है। तो क्या होगा, ऑयल मार्केटिंग से पैसा निकल के गैस वाले में चला जाएगा, पैसा वही है, जिन म्यूचुअल फंड्स का पैसा आना है उनका एनर्जी पे पैसा लगना है, बस ये है कि वो कहाँ पे से मूव कर रहा है इसमें थोड़ा सा आपको नोटिस करना होता है, बस और कुछ नहीं। आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जहाँ पर आज मार्केट का मोमेंटम फास्ट है। टाटा इन्वेस्टमेंट पे फिर से 5% का सर्किट लगा है, ये मैं आपकी जानकारी को बता दूँ। टाटा इन्वेस्टमेंट पे लास्ट डे भी सर्किट था, SJVN ऊपर है। इसके अलावा आज EIH होटल्स और नौकरी, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि इनके ऐप वापस से आ गए तो इनका चलना स्वाभाविक है, ये भी चल रहा है। IEX आपको मैं नोटिस करवाऊंगा ज़रूर, यहाँ पे 2-2.5% तेज़ है, सर्किट लगा था और उस समय भी हमने सैटरडे वाले दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस के अंदर देखा। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टील वाली कंपनी थोड़ा चली हुई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, हालांकि ज़्यादा सीवियर नहीं है। जिंदल स्टील, टाटा स्टील मामूली से 1.5-2% नीचे है, लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट में देखेंगे तो पावर के दोनों शेयर्स ने अपनी जगह बना ली है। और आज गोरांग सर ने बात बिल्कुल ठीक बताई थी कि पावर ग्रिड उनको बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली बोल रहे थे लास्ट में। आप देखो शेयर आपको हीट मैप में दिखेगा करीब 1.5% की तेज़ी के साथ। बजाज ऑटो, ऑटो का रिप्रेजेंटेटिव, इसके अलावा कोल इंडिया आपको मिल गया, सन फार्मा भी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। UPL पे आज चल तो रहा है लेकिन इसको ट्रस्ट करने से पहले लेवल्स को पक्का हो जाने दीजिएगा, फिर आपको और मज़ा आएगा। तो ये हीट मैप के जरिए मोटा मोटे आपने स्क्रीन भी बाजार की चेक कर लिया। एडवांस डिक्लाइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा रेंज में रुक के इंडाइसिस में काम कीजिएगा, लेकिन हाँ वैसे ठीक है, वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत जैसे तो नहीं दिख रही है। सृष्टि एक काम कर रही है, आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देते हैं फिर हम ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो ओपनिंग टिक के बाद थोड़ा सा हल्के ज़रूर हुए हैं स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स पर, अभी भी अपने आप को फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे हमें आते हुए दिख रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक्शन हम देख रहे हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प है, यहाँ पे अच्छी तेज़ी है। मॉयल हमने डिस्कस किया था, अच्छे प्रोडक्शन आंकड़ों के चलते यहाँ पे 5% का उछाल है। नेस्को एक काउंटर है जहाँ पे आज 4.5% की तेज़ी है। इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस, EIH, यहाँ पे भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। और IEX, ये भी हमने मार्केट खुलने से पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे भी करीब 4% का उछाल देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ बात करें तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, यहाँ पे रिपोर्ट्स के दम पे एक्शन है। सुप्रजित इंजीनियरिंग, ये भी 2.5% मजबूत है। और टाटा कम्युनिकेशंस भी एक काउंटर है जहाँ पे 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर हाईलाइट करना चाहूँगी, फिर से यहाँ पे एक बार गिरावट आती हुई हमें दिख रही है। पर मोटा मोटी देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो इंडसीज हैं वो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शुरुआती टिक से थोड़े से हल्के ज़रूर हुए हैं।